वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पेनिस एलार्मेंट पंप यानी कि लिंग वर्धक यंत्र, जिसकी सहायता से आप अपने लिंग की लंबाई को बढ़ा सकते हैं, मोटाई को बढ़ा सकते हैं, लिंग में अगर टेढ़ापन है तो उसको सही किया जा सकता है। और हाँ दोस्तों, इरेक्शन में भी काम आता है पेनिस एलार्मेंट पंप। आप समझ गए होंगे आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो पेनिस एलार्मेंट पंप है। देखिए, बहुत से हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको मालूम है इस पंप के बारे में और उन्होंने इसका इस्तेमाल करके इसका भरपूर फायदा भी उठाया है। उनको फायदा हुआ है, उनका साइज भी बढ़ा है। और कुछ दर्शक नए हैं, जो लोग नए हैं पहली बार चैनल देखते हैं, तो वो पूछते हैं कि भाई क्या वाकई में पेनिस एलार्मेंट पंप का इस्तेमाल करके लिंग की लंबाई को बढ़ाया जा सकता है। हमारी कोशिश रहती है दोस्तों कि हम जो सवाल होता है उस पे वीडियो बनाएं। तो आज भी हमने ऐसे ही किया है, जो सवाल थे उस पे वीडियो बनाई है और बात करेंगे हम ये पेनिस एलार्मेंट पंप जो कि इलेक्ट्रिक है, सेल से ऑपरेट होता है, बैटरी से चलता है, रियूजेबल है, बार बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बैटरी ख़त्म हो जाए तो दूसरी बैटरी आप लगा सकते हैं, और इजी टू यूज़ है, आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आराम से इसे एक्सरसाइज करते हैं। तो बात करेंगे आज की इस वीडियो में हम इस इलेक्ट्रिक पेनिस पंप की। अब कैसे ये काम करेगा, कैसे ये आपके लिंग की लंबाई को बढ़ाएगा, किस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है, क्या कुछ सावधानी भी रखनी है इसके इस्तेमाल करने से, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास ये ऑयल है जो इस पंप के साथ में आता है, 30 ml इसके साथ दिया जाता है, आप 100 ml मंगा सकते हैं। इस ऑयल के बारे में भी पूरी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप प्लीज वीडियो को पूरी तरह से देखें, समझें अच्छे तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। तो दोस्तों, ये है पेनिस एलार्मेंट पंप जो कि इलेक्ट्रिक है। अब मैं इसको आपको अलग अलग करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये इसका सिलेंडर है, इसका ये जिसमें वैक्यूम बनती है। इस सिलेंडर की क्वालिटी आप देखिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। यहाँ पर स्केल दिया गया है, इधर भी स्केल दिया गया है, दोनों साइड में स्केल दिए गए हैं। और ये स्लीव है इसकी, रबड़ है इसकी, जो कि पंप के ऊपर लगती है। कैसे लगती है दिखा दे दूं, ऐसे लगती है। इस तरह से आपको इसको लगाना है, चारों तरफ से इसको ऐसे कर दें हाथ से, तो ये अच्छी तरह से इसके ऊपर चढ़ जाएगी और आराम से आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये तो उसके इस तरह से हुआ। अब ये वो मेन पार्ट है जहां पर सेल लगते हैं। देख लीजिए कहां पे लगते हैं सेल, यहां लगेंगे। तीन बैटरी लगती है यहां पर, एक यहां और एक यहां। तीनों बैटरी लगा करके आप इसको ऐसे बंद कर दीजिए। अब इसमें आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे एक लॉक बना हुआ है। अब पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये एरो दिखाएंगे, एरो एक दूसरे के ऊपर होंगे, इसको आप ऐसे घुमा देंगे तो ये लॉक के ऊपर एरो आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब ये आपका लॉक हो चुका है और सेल्फ में लग चुके हैं, अब ये काम करने के लिए तैयार है। इसमें दो बटन दिए गए, एक पावर का बटन दिया गया और एक प्रेशर रिलीज करने वाला बटन दिया गया है। जब आप पावर का बटन दबाएंगे तो यहाँ से वैक्यूम, ये जो पॉइंट दिए गए यहाँ पर दो, ये देखिए यहाँ से ये वो मेन पॉइंट है जहाँ से इसमें वैक्यूम बनाने का काम करेगा ये। इसको आपको ऐसे इससे जोड़ देना है, ये कनेक्ट हो गया। अब आप जब ये वाला बटन दबाएंगे तो इसमें वैक्यूम बननी शुरू हो जाएगी, खिंचाव बनना शुरू हो जाएगा, और ये वाला बटन दबाएंगे तो जो खिंचाव बना है वो निकल जाएगा। तो ये तो बात हुई इस पंप की पूरी बनावट की और कैसे कैसे इसके फंक्शन है, इसकी बात हुई। अब यूज करने का तरीका बताता हूँ। उससे पहले आप जान लीजिए कि यूज करने से पहले सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको अपने लिंग के ऊपर ऑयल से मसाज करनी है। मसाज करने का तरीका यानी कि मालिश करने का तरीका भी सही होना चाहिए। उससे भी पहले है कि ऑयल का जो चुनाव है वो सही होना चाहिए। हमारे पास जो ये ऑयल है दो तरह की पैकिंग में, एक 30 ml और एक 100 ml की पैकिंग में है। 30 ml जो ऑयल है ये पंप के साथ आता है, 100 ml ऑयल आप कह करके मंगा सकते हैं कि मुझे 100 ml ऑयल लेना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 30 ml ऑयल जो होगा वो आपका लगभग 30 से 45 दिन के आसपास चलेगा, और जो 100 ml ऑयल है ये आपका 3 से 4 महीने चल जाएगा। अब ये जो ऑयल है दोनों दोस्तों, ये 50 से ज्यादा जड़ी बूटियां इसमें डाली गई हैं। इसमें जैतून का तेल डाला गया है, इसमें तिल का तेल डाला गया है, इस तरह से इसको प्रोसेस करके बनाया गया है। और इनके इंग्रेडिएंट्स को हम आपकी जरूरत के मुताबिक घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। यानी कि अगर आपने कहा कि आपके लिंग में बहुत ज्यादा परेशानी है, इरेक्शन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको बढ़ाया भी जा सकता है। यानी कि ये जो ऑयल है ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ऑयल अपने लिंग के ऊपर ऐसे लगाना है, चारों तरफ लगाएंगे। मान लीजिए ये लिंग है आपका, इस पे ऐसे आपको लगाना है ऑयल, फिर पीछे से आगे तक को आपको मसाज करनी है ऐसे ओके के शेप में, और लिंग को इसमें ऐसे इंसर्ट कर देना है और ये बटन दबाना है आपको। जब आप ये बटन दबाएंगे तो पंप के अंदर वैक्यूम बनना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा कि आपके लिंग में खिंचाव हो रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। जब आपको लगे कि हाँ खिंचाव हो चुका है, तो अब आप क्या करें, ऐसे ही बैठे रहें 3 मिनट तक, बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहें। 3 मिनट के बाद आपको नीचे वाला बटन दबाना है,
जब नीचे वाला बटन दबाएंगे तो जो वैक्यूम बना था वो निकल जाएगा। अभी लिंक बाहर नहीं निकालेंगे, दोबारा से बटन दबाएंगे, खिंचाव होगा, बैठे रहेंगे ऐसे 3 मिनट तक, और बटन दोबारा दबा देंगे तो जो खिंचाव बना था वो अब बना रहेगा एज इट इज, और 3 मिनट के बाद ही नीचे वाला बटन दबा देंगे तो जो प्रेशर बना था वो निकल जाएगा। फिर तीसरी बार ऐसी करना है, बटन दबाना है, प्रेशर बनाना है, प्रेशर जब बन जाए तो बटन दबा देना है दोबारा से, प्रेशर बन चुका है, 3 मिनट के बाद प्रेशर को निकाल देना है। यानी कि ये क्रिया आपको 3-3 मिनट के लिए 3 बार करनी है। तो ये तो हुई इसकी एक्सरसाइज करने का तरीका। अब बात कर रहे थे हम, जैसे शुरू में हमने कहा था कि लिंग की लंबाई बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ेगी सर, 0 से 2 इंच तक आपकी लिंग की लंबाई बढ़ सकती है, मोटाई भी बढ़ सकती है, लिंग का जो ढीलापन है वो भी ठीक हो सकता है, साथ ही साथ अगर लिंग में टेढ़ापन है तो वो भी स्पम के जरिए से सही होता है। अब सावधानी, सावधानी तो ये है कि वो लोग बिल्कुल भी पंप का इस्तेमाल ना करें जिनकी उम्र 18 साल से कम है, और वो लोग जो 55 साल के हैं या उससे ज़्यादा हैं, या फिर उनको कोई साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, या फिर कोई ऐसे हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम है जिनको, या कोई ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, तो वो एक बार कंसल्ट कर लें, हमारे हेल्थ एडवाइज़र से बता दें कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उस डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको ये पंप दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने बात करी आपसे इलेक्ट्रिक पेनिस अलाइनमेंट पंप के बारे में जो कि 3 सेल से चलता है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर लिखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, और हाँ दोस्तों बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, एक नए वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।